आयास आप सभी का एक बार होम स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग आपको देख ही रहा होगा कि जिला दर्शन क्लासेज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस जिला दर्शन क्लासेज का शुभारंभ करने से पहले, जिलों का अध्ययन करने से पहले, मैं आपको एक नया राजस्थान और एक पुराना राजस्थान, इसमें कितने जिलों की बढ़ोतरी हुई है, कितने नए संभाग बने हैं, कब बने हैं, कब इसकी अधिसूचना जारी हुई है, इन तमाम पहलुओं पर पहले चर्चा करूंगा ताकि आपके हर डाउट इसी समय क्लियर हो जाएंगे कि पहले कितने जिले कितने संभाग थे, वर्तमान में कितने जिले कितने संभाग हैं, कुल जिलों की संख्या कितनी वर्तमान में, क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, पहले कौन सा जिला बड़ा था, अब कौन सा जिला बड़ा है, इन तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले एक पुराना राजस्थान। पुराना राजस्थान और एक नया राजस्थान, दोनों की तुलना करते हुए पढ़ेंगे। देखिए, पुराने राजस्थान के अंदर राजस्थान वही है, राजस्थान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल जो आंतरिक सीमा है उनके अंदर जिलों के टुकड़े हुए हैं, ठीक है ना। पुराने राजस्थान के अंदर 33 जिले, कितने जिले थे, 33 जिले, 7 संभाग। वर्तमान राजस्थान के अंदर नई दिल्ली की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, नई दिल्ली कितने बने, 19 जिले और संभाग कितने बने, संभाग 3, यानी नए जिलों की घोषणा कितने जिलों की हुई है, 19 जिलों की। और कुल जिलों की बात करें नए राजस्थान में, तो कुल जिले कितने, 50 जिले और संभाग कितने बन गए, 10 संभाग। स्थिति कल्याण है। इनकी घोषणा कब हुई थी, घोषणा 7 मार्च 2023 को, 19 नए जिले और 3 संभाग की घोषणा भी, घोषणा की डेट भी यही है, ठीक है ना, जो 7 मार्च 2023 को, ठीक है। इनको 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल बैठक में अंतिम रूप दिया गया, यानी इसके सीमांकन को लेकर के अंतिम रूप कब दिया, 4 अगस्त 2023 को, और उसकी घोषणा होती है 7 मार्च 2023 को। जिले कितने, कुल जिले वर्तमान में 50 है और वर्तमान में संभाग कितने हैं, 10 है। अब इसकी जो स्थापना डेट है, स्थापना कब हुई, 19 जो नए जिले बने इनकी, इनकी स्थापना है 7 अगस्त 2023 को, ये क्या है, इसकी स्थापना। अब पुराने जिलों के अंदर सीमावर्ती जिले कितने थे, अब वर्तमान में कितने हैं, पुराने जिलों में 25 जिले हैं, 25 जिले वह सीमावर्ती, कितने, 25 जिले सीमावर्ती है, और जो 8 जिले हैं वो है आंतरिक, कितने जिले, 8 जिले, 8 जिले। नए जिलों में सीमावर्ती जिलों की संख्या 28, 28 है सीमावर्ती जिले, कितने जिले, 28 सीमावर्ती। अब कुल जिले कितने, 50 है, 50 में से 28 निकाल लेते हैं, तो आंतरिक जिलों की संख्या 8 से बढ़कर के कितनी हो गई है, 22 जिले हैं जो आंतरिक है, कितने जिले हैं, आंतरिक जिलों की संख्या कितनी हो गई, 22। देखिए, पहले सीमावर्ती 25 थे, वर्तमान में सीमावर्ती जिले 28 हैं, पहले आंतरिक जिले 8 थे, अब आंतरिक जिले कितने हैं, 22 है, ठीक है।
अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा था मतलब पहले, कौन सा था? जैसलमेर। इसमें भी है वर्तमान में कौन सा जिला है? जैसलमेर। यानी जैसलमेर में कोई हेर फेर नहीं हुई है, यानी नए राजस्थान में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है, और जो पुराने राजस्थान के अंदर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला था बड़ा? जैसलमेर। ये बड़ा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा था? धौलपुर। कौन सा जिला? धौलपुर। अब यहां पर करेक्शन करना कि छोटा जिला है ना जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है दूधू। कौन सा जिला है? दूधू है, जो जयपुर से अलग होकर के एक नया जिला बना है। तो नया जिले, नए राजस्थान के अंदर अब आप इस धौलपुर को भूल करके आप छोटा जिला कौन सा करोगे? दूधू करोगे। ठीक है, ये है एक नए राजस्थान और एक पुराने राजस्थान का खाका। इनको आप देखना सबसे पहले कि पुराने राजस्थान में 33 जिले थे और 7 संभाग थे, वर्तमान राजस्थान के अंदर 19 जिले और 3 संभाग जो नए बने थे। वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 50 है और संभागों की संख्या कितनी है? 10 हो गई। अब इन 19 जो नए जिलों की घोषणा हुई थी माननीय सीएम साहब अशोक जी गहलोत के द्वारा, उसके अंदर घोषणा कब हुई थी कि 7 मार्च 2023 को, और उसकी जो मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर इस जिलों के सीमांकन को जो अंतिम रूप दिया गया था वो दिया 4 अगस्त 2023 को, मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर अंतिम निर्णय दिया। और इस जो 19 नए जिले बने हैं उनका स्थापना का जो कार्यक्रम हुआ था वो है 7 अगस्त 2023 को। वर्तमान में 28 जिले हैं सीमावर्ती और 22 जिले हैं आंतरिक। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और जो सबसे छोटा जिला है वो है दूधू। कौन सा जिला? दूधू। ठीक है, अब अपन एक सबसे पहले जयपुर संभाग से शुरुआत करेंगे जिला दर्शन की। चलती है नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले जयपुर संभाग है, जयपुर संभाग से शुरुआत करते हैं जिला दर्शन की। जयपुर संभाग के अंदर कुल कितने जिले हैं? 7 जिले। जयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। नाम बिल्कुल आसान है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण दो हो गए, कोटपुतली बहरोड हो गया, दूधू हो गया, दौसा हो गया, अलवर हो गया, ठीक है ना, खैरथल तिजारा हो गया। अब इनको याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक है जयपुर को अब दुख दो। ये कितनी अच्छी ट्रिक है, जयपुर को अब दुख दो। बिल्कुल सिंपल है, 7 जिले हैं ना, 7 शब्द है, हर शब्द से एक एक जिला निकल रहा है। तो जयपुर से आप, जयपुर शब्द से दो जिले, एक तो आ गया जयपुर खुद ही और दूसरा आ गया जयपुर ग्रामीण। कौन सा जिला? जयपुर ग्रामीण। समझ में आ रहा है, जयपुर और जयपुर ग्रामीण एक नंबर हो गया, ये हो गया दो नंबर। अब जो ये को है, इस को से निकल के आ रहा है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ऐसे आ गया अलवर, ऐसे अलवर। दूध से हो गया दूध। कौन सा जिला? दूध। इस खे से आ गया खेरथल, खेरथल तिजारा। ये एक ही जिला है, ठीक है ना, खेरथल तिजारा। और इस दो से आ गया दोसा।
देखिए समझ में आ रहा है, कितने जिले हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर हो गया, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर, और ये दोस्त शायद हो गया 7 नंबर। बिल्कुल 7 जिलों का नाम आपको याद हो गया होगा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली बहरोड, अलवर, दूधू, खैरथल तिजारा और दौसा, ठीक है ना। और ट्रिक है जयपुर को अब दुख दो, बिल्कुल आसान ट्रिक है, ज़्यादा टेढ़ी नहीं है और लोड लेने की जरूरत नहीं है, जितना हो सके सिंपल से सिंपल ट्रिक देने का मैंने प्रयास किया है। अब इनके अंदर जो ये 7 जिले हैं, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, दूधू, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा और दौसा, अब इन सभी 7ों जिलों में से अपने एक ऐसे जिले का चयन करने जा रहे हैं, उस एक ऐसा जिला जिनको भारत का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा जिला जिनको पिंक सिटी, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा जिला जिनको भारत का पेरिस भी कहा जाता है, एक ऐसा जिला जिसको आइसलैंड ऑफ गैलरी कहा जाता है, एक ऐसा जिला जिसको वैभव नगरी कहा जाता है, एक ऐसा जिला जिसको भारत का पहला योजनाबंद शहर कहा जाता है। देखिए कितने अच्छे अच्छे वर्ड में यूज कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना इसको। एक ऐसा जिला जिसकी स्थापना जय सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, एक ऐसा जिला जिनको पहले आमेर नाम से जाना जाता था, एक ऐसा जिला जो दूधू नदी के किनारे बसा हुआ है, एक ऐसा जिला जो राजस्थान की राजधानी के नाम से जाना जाता है, वो जिला है जयपुर। कौन सा जिला है? जयपुर। ये हमारा जो लाडला जिला जयपुर। अपन आज शुरुआत करेंगे जयपुर का जो शहरी क्षेत्र है इसकी, जयपुर के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल है, किले हैं, जो दर्शनीय स्थल है, नदियां हैं, मंदिर है, महल है, झीले हैं, इन तमाम जानकारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए, सेशन यदि आपको अच्छा लगता है तो आपके मित्रों के साथ में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। अब चलते हैं पहले जयपुर के ऊपर। हाँ, जिला दर्शन में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जयपुर को। कौन सा जिला? जयपुर। तो जयपुर की पहले मैं एक नक्शा बना देता हूँ, ज़्यादा सही तो नहीं बनेगा, फिर भी बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। इनके जैसा ही है जयपुर, यहाँ लिख देते हैं जयपुर, ठीक है ना। जयपुर के दो भाग हुए हैं, जयपुर ग्रामीण और जयपुर। अब बीच बीच ये है, यहाँ पर है जयपुर, और इनके चारों तरफ वर्ताकार घेरे में है, जो पूरा एरिया है वो जयपुर ग्रामीण का है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना, और दिमाग में फिट भी कर लेना। आपके मन में ऐसा संशय नहीं होना चाहिए कि हाँ जयपुर के ऐसे दो भाग कर दिए या यूं भाग कर दिए, वो नहीं, बीचों बीच में जयपुर है, और इनके जो ये बाहरी इलाका है वो है जयपुर ग्रामीण का। कौन सा जिला है? जयपुर ग्रामीण। यह ध्यान रखना, जयपुर ग्रामीण का बाहरी जो इलाका है वो जयपुर ग्रामीण का है, और अंदर वाला है जो जयपुर का है, ठीक है ना। अब अपन इनकी बात कर रहे हैं, जो अंदर जो ये अंदर वाला भाग है ना, इसकी बात कर ले, मतलब शहरी क्षेत्र की, ठीक है ना, शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका स्थापना वर्ष, यहाँ प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है जयपुर का जयनगर। क्या है? जयनगर। प्राचीन नाम है जयनगर। जयपुर की स्थापना किसने की? स्थापना जय सिंह के द्वारा 18 नवंबर को, 18 नवंबर 1727 को, और किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। कछवा राजवंश का पहला शासक जिनने सवाई की उपाधि हासिल की, उपाधि ग्रहण की, वो है जय सिंह, ठीक है ना। जय सिंह ने ही जयपुर नगर को बसाया है, और जयपुर नगर का जो वास्तुकार था
वास्तुकार जय सिंह के समय वास्तुकार था, वो एक बंगाली था जिसका नाम है विद्याधर। विद्याधर भट्टाचार्य कहाँ के थे? बंगाल के। कहाँ के थे? बंगाल के रहने वाले थे विद्याधर भट्टाचार्य, जो जय सिंह के कार्यकाल के अंदर वास्तुकार थे जयपुर के। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसके उपनाम, जयपुर के उपनाम क्या है। ठीक है ना। उपनामों के अंदर चर्चा करते हैं, तो पहले इस स्लाइड को थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि लिखने में समस्या न हो। जयपुर के कई उपनाम हैं, उस नामों की तुलना करेंगे। मैंने जिले को शुरू करने से पहले मैंने आपको बता दिया था, उपनाम क्या क्या उपनाम है, जयपुर को किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले होगा वो है गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी इसको अपन कह सकते हैं पिंक सिटी, पिंक उपनाम गुलाबी नगरी पिंक सिटी, यह नाम दिया किसने था? सर्वप्रथम गुलाबी नगरी और पिंक सिटी नाम का जो जिक्र किया था वो किसने किया था? स्टेनली रीड ने। स्टेनली 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 रीड ने सबसे पहले जो गुलाबी नगरी और पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किया था। प्रयोग क्यों किया इसका कारण भी बताएंगे। गुलाबी रंग, गुलाबी रंग दिया किसने? राम सिंह। गुलाबी रंग किसने दिया? सवाई राम सिंह ने दिया। क्यों दिया? कारण क्या? क्यों दिया भाई? दिया तो उसका कारण तो होगा ना, कुछ न कुछ तो कारण है। गुलाबी रंग राम सिंह ने दिया, क्यों दिया, कारण क्या था? क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर की यात्रा पर आ रहे थे। कौन आ रहे थे? प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर, आगमन। ठीक है ना। इसका कारण यह समझ लेना क्यों दिया कि प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर, क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स विदेशी थे, वो जयपुर की यात्रा पर थे। इस शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए, शहर को अच्छा दिखाने के लिए ये गुलाबी रंग दे करके उनको जयपुर के प्रति आकर्षित करने के लिए ये जो गुलाबी रंग राम सिंह जी ने दिया था। ठीक है ना। अब सेकंड नाम है, आते हैं। अभी तक तो गुलाबी नगरी और पिंक सिटी कंप्लीट हुआ इतने में। ठीक है ना, मैंने जानकारी डिटेल से दी है। ठीक है ना। अब आते हैं नगरों की पटरानी। नगरों की पटरानी भी जयपुर को कहा जाता है। नगरों की पटरानी कहा किसने? कन्हैयालाल सेठ। या नहीं, नगरों की पटरानी, नगरों की पटरानी किसने कहा? कन्हैयालाल, कन्हैयालाल सेठ। या नहीं, किसने कहा? कन्हैयालाल सेठिया ने कहा नगरों की पटरानी। रंगश्री का दीप उपनाम है। रंगश्री का दीप ही किसको कहा जाता है? जयपुर को। नगरों की पटरानी भी किसको कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबी नगरी पिंक सिटी भी किसको कहा जाता है? जयपुर को। जो ये है ना रंगश्री का दीप, ये किसने दिया था? डॉक्टर सीवी रमन ने। किसने दिया था?
सीवी रमन ने। आइसलैंड ऑफ अनिना, आइसलैंड ऑफ गलेरी, आइसलैंड ओपन गलेरी भी किसका नाम है? जयपुर का उपनाम है। आइसलैंड ऑफ गलोरी, ये भी किसने दिया? डॉक्टर सीवी रमन ने। आइसलैंड ऑफ गलेरी जो जयपुर का उपनाम है, जयपुर का अन्य नाम है, ये किसने दिया था? सीवी रमन ने। जयपुर को वैभव नगरी भी कहते हैं, वैभव नगरी। वैभव नगरी किसने नाम दिया? ये भी सीवी रमन ने। कमाल कर दिया आपने तो, सीवी रमन ने। कितने नाम? गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, नगरों की पटरानी, रंग श्री का दीप, आइसलैंड ऑफ गलेरी, वैभव नगरी, गोल्डन बर्ड। अन्य नाम है, पांच नाम की चर्चा कर रहा हूं। गोल्डन बर्ड, देखिए ये नाम किसने दिया जो जयपुर का अन्य नाम है? गोल्डन बर्ड एडवर्ड पंचम ने। किसने दिया है? एडवर्ड पंचम ने। थोड़ा नाम अटपटा है, याद रखने में समस्या है। इसमें देखिए आप एक ट्रिक से समझना, इस शब्द को आप पकड़ो, वर्ड है ना, इसको इस वर्ड से जोड़ो, समान है, याद हो जाएगा। वर्ड से वर्ड, गोल्डन बर्ड नाम किसने दिया? एडवर्ड पंचम ने। बिल्कुल, बस हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जयपुर नगर के सात दरवाजे, दरवाजे कितने? सात दरवाजे। कौन कौन से सातों के नाम बताओ? सांगानेरी गेट, चांदपोल, अजमेर, अजमेरी गेट, सूरजपोल गेट, घाट गेट, ध्रुव गेट और न्यू गेट। यह है जयपुर शहर के सात दरवाजे। सांगानेरी गेट नंबर एक पे है, सांगानेरी गेट के स्थान पर मैं दरवाजा लिख रहा हूं। सांगानेरी दरवाजा नंबर दो, अजमेरी दरवाजा चांदपोल दरवाजा घाट दरवाजा ध्रुव दरवाजा न्यू दरवाजा। इस दरवाजे के स्थान पर, दरवाजे के स्थान पर गेट शब्द भी आ सकता है। क्या? गेट शब्द। सूरज पोल दरवाजा, देख लेना नाम के रिपीट तो नहीं हुआ है। नंबर एक पर है सांगानेरी दरवाजा, नंबर दो पर है अजमेरी दरवाजा, नंबर तीन पर है चांदपोल दरवाजा, नंबर चार घाट दरवाजा, नंबर पांच है ध्रुव दरवाजा, नंबर छह पर है न्यू दरवाजा और नंबर सात पर है जो सूरज पोल दरवाजा। एक ऐसा शहर जिनके अंदर सात सात दरवाजे, और एक ऐसा शहर जिनकी सभी सड़कें हैं जो 90 डिग्री के कोण पर कटती है। तभी तो वास्तुकार थे ना विद्याधर भट्टाचार्य, नाम पहले मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पर, वास्तुकार, ठीक है ना। मतलब है सात सात दरवाजे, 90 डिग्री पर सड़कों का कटाव, इस प्रकार के एक सुंदर शहर जो जयपुर। तभी तो इनको अनेक नामों से जाना गया है, गुलाबी नगरी,
नगरों की पटरानी, रंग श्री का दीप है, स्टैंड ऑफ गैलरी है, वैभव नगरी है, गोल्डन बर्ड है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे है। तभी तो विदेशी लोगों ने आकर के इनकी शोभा बढ़ाई है, ठीक है ना। अब अगर अपन आगे चलते हैं, जो जयपुर परकोटों को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था, जो जयपुर के परकोटों को विश्व विरासत सूची के अंदर, जयपुर परकोटा जो विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल है जयपुर का परकोटा, वो 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया था। 6 जुलाई 2019 को, ठीक है ना, जयपुर परकोटों को, परकोटा को विश्व विरासत सूची के अंदर कब शामिल किया गया है, 6 जुलाई 2019 को, ठीक है ना। अब जयपुर के अंदर बहुत सारे किले हैं, क्योंकि राजा महाराजा राज करते थे, तो उसने किले भी बड़े होंगे और किले भी बड़े आकर्षक है, ठीक है ना, नाम भी उनके बड़े आकर्षक है। वो नाम है आमेर का किला। कौन सा किला है? आमेर का किला। अब आमेर का किला पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे इसका निर्माण किसने करवाया था। जयपुर, जयपुर को पहले आमेर के नाम से जाना जाता था, उसके बाद में जय सिंह जी के द्वारा उसको, उसका नाम जयपुर रखा गया था, जय नगर बोला गया था, तब से इनको अपन जयपुर नाम से संबोधित करते हैं। पहले आमेर ही कहा जाता था, ठीक है ना। अब आमेर किले का निर्माण है जो मान सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मान सिंह। किसने करवाया था? जो मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था, मैं फर्स्ट भी लिख देता हूँ ताकि आप फर्स्ट सेकंड के अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाए। आमेर किले का निर्माण किसने करा? मान सिंह ने करवाया। एक विदेशी व्यक्ति जो विश्व बिशप हेबर, हेबर नाम का व्यक्ति था, इसने आकर के आमेर किले को इतनी शोभा की, उसने कहा कि मैंने क्रेमलिन, क्रेमलिन में जो कुछ देखा, अल्ब्रमा के बारे में जो कुछ सुना, उससे भी बेहतर यह दुर्ग है। किसने कहा? बिशप हेबर ने कहा। किसने कहा? बिशप हेबर ने क्या कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ भी देखा, मैं यहां लिखूं, मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा वह अलब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना, जो कुछ सुना, उससे कई गुना अच्छा कौन है, कई गुना बेहतर कौन है? यह दुर्ग। दुर्ग कौन सा? आमेर का। देखिए कैसे कैसे शब्दों में इस आमेर किले की शोभा बढ़ाई है उन्होंने, जो विदेशी शासक यहाँ आकर के इस प्रकार की बातें करके गए, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, ठीक है। इसके अंदर और पढ़ते हैं, महल है दीवान ए आम, दीवान ए आम, और दूसरा जो महल है वह दीवान ए खास, दीवान ए खास। अब देखिए दो महल है, दोनों की विशेषता क्या है? दो महल बनाने का उद्देश्य क्या है राजा महाराजों का? आम है जो ये जनता के लिए, इसके अंदर जनता बैठती, और इसके अंदर है जो विशिष्ट मेहमान, विशिष्ट व्यक्ति, वो यानी राजा के पास में यदि कोई राजा आता, कोई विदेशी आता, तो उन सभी के लिए बैठने के लिए जो ये दीवान है खास, यानी नाम से भी खास है, तो राजा के लिए भी खास था, और ये खास लोगों के लिए भी बना हुआ था, और दीवान आम है, आम मतलब आम जनता के लिए, इनसे इनको याद रखना, ठीक है ना। दीवान आम और दीवान खास,
ये दो क्या है, ये मैन है। किसमें? इस आमेर के किले के अंदर। इसका निर्माण किसने करा? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसका? दीवान ए आम और दीवान ए खास का किसने निर्माण करवाया? जयसिंह ने। ठीक है, आमेर के किले का निर्माण मानसिंह ने करवाया और दीवान ए आम और दीवान ए खास इसका निर्माण किसने करवाया है? जयसिंह ने करवाया। इनको आप एक बार सरसरी नजर से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सात हो गए आपके दरवाजे जो जयपुर के हैं, सांगानेर दरवाजा, अजमेरी, चांदबोल, घाट, ध्रुव, न्यू और सूरज। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अपन पढ़ते हैं जो जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग भी है। कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण किसने करवाया था? नाम क्या है? जयगढ़ है तो निर्माण जयसिंह ने करवाया होगा। किसने करवाया? जयसिंह ने। निर्माण जयसिंह ने करवाया। इसमें आपने नाम सुना होगा जयबाण तोप, वो तोप भी इस किले में है। जयबाण तोप। इस तोप की विशेषता क्या है? यह विश्व की सबसे बड़ी तोप है। यह है विश्व की सबसे बड़ी तोप। कौन सी तोप? जयबाण। क्या? जयबाण तोप है जो विश्व की सबसे बड़ी तोप कह सकते हैं इसको आप। विश्व का एकमात्र दुर्ग है यह। कौन सा दुर्ग? यह जयगढ़ दुर्ग विश्व का एकमात्र दुर्ग है जहां तोप ढालने का सेंटर लगा हुआ है। विश्व का एकमात्र दुर्ग, एकमात्र यानी अकेला, एकमात्र दुर्ग जहां तोप ढालने का संयंत्र लगा हुआ है। विश्व का एकमात्र दुर्ग जहां तोप ढालने का संयंत्र है। पूरे विश्व के अंदर इनके जैसा कोई दुर्ग नहीं है जहां पर तोप ढालने के संयंत्र लगे हुए हैं। वो अपने जयपुर के अंदर है, तभी तो उन विदेशियों ने जयपुर की शोभा बढ़ाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। अब अपन जो ये जयगढ़ है इसके उपनाम समझेंगे। उपनाम जयपुर के नहीं, ठीक है ना। किसके उपनाम? किसके? इस अपन जयगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं, जयपुर जिले के अंदर जयगढ़ दुर्ग। इसको चिल का टीला। किसका? चिल्ह का टीला भी कह सकते हैं। ऊंची पहाड़ी पर बड़ा हुआ तब इसको चिल्ह का टीला कह सकते हैं। संकट मोचन, राजा महाराजा के ऊपर कभी कभार संकट आ जाता था, यहां जाकर के शरण लेते थे। संकट मोचन इसका नाम क्या रखा है? संकट मोचन यानी संकट के समय यह दुर्ग है जो सहायता करता था। संकट मोचन यह हो गया अपना जयगढ़। अब अपन पढ़ते हैं नाहरगढ़। कौन सा किला? नाहरगढ़। देखिए मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ। सबसे पहले जयपुर जिले की उपनाम स्थापना, स्थापना किसने की, उसके उपनाम, उपनाम के बाद में जो ये जिले हैं, ये किले हैं, इन किलों को पढ़ रहे हैं। स्थापना किसने की है, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, इन सभी चीज़ों को, एक एक चीज़ को मैं बारीकी से लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है ना। जो ये नाहरगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग ये भी कहाँ है? ये जयपुर में है। नाहरगढ़ जिसका निर्माण नाहरगढ़ भोनिया के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था? नाहरगढ़। इसका नाम नाहरगढ़ भोनिया के नाम पर बनाया, ठीक है ना। इसका निर्माण नहीं करवाया। निर्माण किसने करवाया है? निर्माण जयपुर नाम है,
कहीं ना कहीं तो जय सिंह जी का इनसे लगाव ज्यादा रहा होगा ना, तभी तो इसका नाम जयपुर पड़ा था। जिले की स्थापना के समय या पहले भी राजा महाराजा के राज के समय इन सभी किलों का निर्माण करवाया था, क्योंकि राजस्थान के अंदर रजवाड़ी राज था। तो इसके स्थापना जो 1734 के अंदर किसने करवाया था, निर्माण जय सिंह ने, किसने, जय सिंह। कब करवाया, 1734 के अंदर। अब इसके उपनाम पढ़ते हैं, क्या उपनाम, सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ दिखने में बिल्कुल सुंदर, जयपुर का मुकुट, जयपुर का मुकुट, मुकुट। अब देखिए, सिर के ऊपर जो मुकुट होता है वो दिखने में कितना आलिशान दिखता है, अच्छा दिखता है ना। तो इनको जोड़ लो, याद हो जाएगा, नारगढ़ उपनाम क्या, सुदर्शनगढ़ दिखने में सुंदर, और जयपुर का मुकुट, जो मुकुट होगा वो दिखने में सुंदर होगा, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ करके आप नारगढ़ को याद कर सकते हो। अभी नारगढ़ की अन्य विशेषता भी यहाँ लिखूंगा कि क्या क्या है इस नारगढ़ किले के अंदर। नारगढ़ दुर्ग के अंदर जो एक जयपुर का राजा हुआ करता था, वो माधव सिंह। माधव सिंह ने अपनी रानियों के लिए, अपने पास वालों हेतु एक एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। इसके अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया, माधव सिंह ने। क्यों करवाया, अपने पास वालों के लिए। एक जैसे कितने महलों का निर्माण करवाया है, 9 महलों का, किसने करवाया, माधव सिंह ने। क्यों करवाया, अपने पास वालों, अपनी पत्नियों के लिए। है किसमें ये एक जैसे 9 महल, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक जैसे 9 महल किस किले के अंदर है, तो वो है नारगढ़ के अंदर। किस किले के अंदर है, नाहरगढ़ के अंदर। इसका नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा, किले का नाम, किले का नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा, नार सिंह नाम का एक भोमिया हुआ करता था। इस नार सिंह भोमिया के नाम पर इस किले का क्या नाम पड़ा है, नार सिंह पड़ा है, ठीक है ना। ये हुआ अपना आज का सेशन। इसके अंदर मैंने जयपुर के उपनामों, इसके किलों और इन तमाम जानकारियों को आपके साथ में साझा की है। आपको सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, ठीक है ना। ये नए जिला अपडेट है, आगे भी एक दो वीडियो और बनेंगे इस जयपुर जिले के बारे में। इनसे आगे अपन जयपुर जिले के जितने भी संभाग हैं, इन जयपुर संभाग के अंदर जितने भी जिले हैं, उन सभी एक एक जिलों का क्रम रूप में अध्ययन करेंगे। आप यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी साथ साथ में प्रेस करना। थैंक्स वेरी मच।